स्टीफन हॉकिंग भौतिक विज्ञानी जो मानव मन की शक्ति का प्रतीक है। स्टीफन हॉकिंग ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ विक्रेता समय का संक्षिप्त इतिहास लिखा, जो ब्रह्मांड के मूल और अंतिम भाग में उभरा। ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग, जो ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों की जांच करने और मानव मन की शक्ति का विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला प्रतीक बनने के लिए विनाशकारी न्यूरोलॉजिकल रोग को पार कर गया। एक परिवार के प्रवक्ता ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, वह 76 साल का था। एक मांसपेशी गड़बड़ नहीं बल्कि कंप्यूटर संश्लेषित आवाज के लिए जाने में असमर्थ। डॉट हॉकिंग 21 वर्ष की उम्र से एक डिएग्रेटिव मोटर न्यूरॉन रोग से एमियोट्रॉफिक लेल्डल स्क्लेरोसिस या लोगेरिग्स रोग से पीड़ित थे। प्रारंभ में 2 साल जीने के लिए एक निदान जिसने उसे गंभीर अवसाद में फेंक दिया। उन्होंने अपने डॉक्टरेट को पूरा करने और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लुकासिया के प्रोफेसर की स्थिति में वृद्धि करने की ताकत पाया। आइजैक न्यूटन द्वारा आयोजित एक ही पद 300 वर्ष पहले। हॉकिंग अंततः ग्रह के सबसे प्रसिद्ध विज्ञान प्रसारकों में से एक बन गए और उन्होंने विश्व का दौरा किया, राष्ट्र की यात्रा की अंटार्कटिका और ईस्ट आइलैंड पर जाकर और विशेष शून्य गुरुत्वाकर्षण जेट पर उड़ान भरने पर ध्यान दिया, जिस पर परिक्रमात्मक उड़ान हॉकिंग ने उड़ान भर दी थी केबिन जैसे कि वह बाह्य अंतरिक्ष में थे। मेरा लक्ष्य सरल है, उसने एक बार कहा, यह ब्रह्मांड की पूरी समझ है। ऐसा क्यों है और यह क्यों बिल्कुल मौजूद है? उन्होंने क्वांटम भौतिकी के साथ आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को सुलझाने और सब कुछ के सिद्धांत का निर्माण करने के लिए अपने करियर का अधिक खर्च किया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ विक्रेता समय का एक संक्षिप्त इतिहास 1988 लिखा, जो ब्रह्मांड के मूल और अंतिम भाग में उभरा। वह जानबूझकर एक बड़े पैमाने पर बाजार पत्रिका लिखने के लिए बाहर सेट एक तथ्य विषय पर अक्सर, हालांकि किताब कभी कभी घने होने के कारण घबराहट होती थी और पढ़ने की तुलना में अधिक स्वामित्व रखने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसने लाखों प्रतियां बेची। 20 सेकंड अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया और हॉकिंग की इसी तरह की किताबों के एक छोटे साम्राज्य को प्रेरित किया, जिसमें द एक संक्षिप्त में ब्रह्मांड और समय का एक ब्रीफ इतिहास। अपनी बेटी लूसी के साथ उन्होंने जॉर्ज के नाम पर एक युवा अंतरचालक के बारे में बच्चों की किताबों की एक श्रृंखला लिखी, उनकी मुस्कुराहट 2013 संस्मरण। मेरा संक्षिप्त इतिहास ने विज्ञान के साथ साथ उनके अशांत विवाहों में अपने विकास का पता लगाया। इसके अलावा हॉकिंग 1991 का एक वृत्तचित्र ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का विषय था, जो एरोल मॉरिस द्वारा निर्देशित है और अंगिनत समाचार पत्र और पत्रिका लेख एक आवाज सिंथेसाइजर की सहायता से एक कुंजी पटल पर अपनी उंगलियों द्वारा नियंत्रित। उन्होंने चिली से चीन तक दुनिया भर के भाषण दिए। उन्होंने खुद को ऐसे टीवी कार्यक्रमों पर स्टार ट्रैक दी अगली पीढ़ी और द सिंपसंस के रूप में खेला, जिसमें हॉकिंग ने शो के आलसी एनिमेटेड कुलपति को बताया, डोनट के आकार का ब्रह्मांड का आपका सिद्धांत दिलचस्प है, होमा इसे चोरी करने के लिए। उन्होंने आग्रह किया कि अल्बर्ट आइंस्टीन के दूसरे आने के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मीडिया प्रचार के माध्यम से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उन्होंने 1990 में लॉस एंजल्स टाइम्स से कहा, मैं एक अक्षम प्रतिभा का हिस्सा बन गया हूँ, कम से कम मैं अक्षम हूँ, भले ही मैं आइंस्टीन की तरह एक प्रतिभाशाली नहीं हूँ। जनता ही नायकों की चाहती है, आइंस्टीन एक नायक और अब वे मुझे एक नायक बना रहे हैं। हालांकि बहुत कम औचित्य के साथ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में काला छेद की अत्यधिक स्थितियों को समझने में सफलताएं शामिल थी। इतनी घने ऑब्जेक्ट्स थीं कि प्रकाश भी उनकी गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकते।
उनका सबसे प्रसिद्ध सैद्धांतिक सफलता भौतिकी के इस प्रतीतकारी माफी कानून के लिए एक अपवाद खोजना था। ब्लैक होल वास्तव में काले नहीं है, उन्होंने महसूस किया है, लेकिन उनकी सीमा पर प्रक्रियाओं से थर्मल विकिरण उत्पन्न कर सकते हैं और संभवतः वाष्पित हो सकते हैं। वैज्ञानिक इस तरह के सैद्धांतिक एमिनेशंस हॉकिंग विकिरण के रूप में संदर्भित करते हैं। इस रहस्य उद्घाटन ने अन्य वैज्ञानिकों को जिस तरह से आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को लेकर प्रभावित किया, जो कि ब्लैक होल की गंभीरता को समझने के लिए आवश्यक है और इसे क्वांटम यांत्रिकी के नए सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है जो उप प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पुराने जमाने वाले ऊष्मवाग्मिकी के देश में फेंक दिया एक प्रकार की भौतिकी ट्राइफेक्ट को प्राप्त करना। हॉकिंग ने एक व्याख्यान में कहा, ब्लैक होल काले रंग के रूप में नहीं है क्योंकि वे पेंट किए जाते हैं। सामान्य भाषा में जटिल भौतिकी का लक्षण वर्णन करते हैं, ये वे अनंत जेल नहीं हैं, जिन्हें एक बार सोचा गया था चीजें एक ब्लैक होल से बाहर निकल सकती हैं, दोनों बाहर और संभवतः किसी अन्य ब्रह्मांड के लिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप एक ब्लैक होल में हैं, हार न दें, एक रास्ता है। उन्होंने यह भी प्रमेय किया कि छोटे काले छेद बड़े धमाके के अवशेष अंतरिक्ष के माध्यम से बिखरे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब तक वे खोज नहीं की गई हैं। यह दुख की बात है, क्योंकि अगर उनके पास था तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, उन्होंने मजाक में कहा। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 अक्टूबर 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। गैलीलियो की मौत की 300वीं वर्षगांठ, वह कहना चाहती थी, उनके पिता उष्णकटिबंधीय बीमारियों में एक चिकित्सक और विशेषज्ञ थे, उनकी माँ लिबरल पार्टी में सक्रिय थी, दोनों माता पिता ऑक्सफोर्ड शिक्षित थे और स्टीफन 4 भाइयों के सबसे बड़े, पुस्तकों से घिरा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने विशिष्ट शैक्षणिक वादा नहीं दिखाया। इसके बावजूद प्रतिभा के एक स्पष्ट लकीर के बाद भी अपने दोस्तों को आइंस्टीन नाम का नाम दिया। उन्होंने ओमनी पत्रिका को बताया, मैं हमेशा जानना चाहता था कि सब कुछ कैसे काम करता है, मैं चीजों को अलग अलग देखता हूँ कि वे कैसे काम करते हैं, लेकिन वे अक्सर एक साथ वापस नहीं गए। वह थोड़ा आलसी था और एक बोना, जैसे वह बाद में स्वीकार करेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और ऑक्सफोर्ड नाव क्लब के साथी सदस्यों के साथ काम करने का आनंद लिया, जिसके लिए वह एक सामरिक प्रेमी कोक्सवेन था। उन्होंने 1962 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा में डॉक्टरेट को आगे बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा किया। हॉकिंग ने अपने संस्मरण में लिखा, भौतिकी हमेशा स्कूल में सबसे उबाऊ विषय था क्योंकि यह बहुत आसान और स्पष्ट था। रसायन विज्ञान बहुत मजेदार था क्योंकि अप्रत्याशित चीजें जैसे कि विस्फोट हो रहा था, लेकिन भौतिकी और खगोल विज्ञान नए समझने की आशा की पेशकश की कि हम कहां से आए और हम यहां क्यों हैं। मेन ब्रह्मांड की गहराई को समझना चाहता था, तब वह आया जो उसने बाद में उस भयानक चीज के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में देखा था कि वह तेजी से बिड़ंगे हो जाएगा और कभी कभी ठोकर खाएगा और कोई स्पष्ट कारण नहीं होगा। टेस्ट मोटर न्यूरॉन रोग से पता चला वह कुछ सालों से ज्यादा जीवित रहने की उम्मीद नहीं कर सकता था। निराशा की अवधि के बाद, जिसमें उन्होंने अपने कमरे में छिपा दिया और वैगना की बात सुनी, उन्होंने एक नए साल की पूर्व संध्या पार्टी में भाग लिया, जिसमें उन्होंने जैन वाइल्ड नामक युवा छात्र से मुलाकात की। उनकी प्रेमालाप ने अपनी इच्छा जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1965 में शादी की। जेन हॉकिंग ने ब्रिटिश अखबार ऑब्जर्वर को बताया,
हम उस समय बहुत ही मजबूत समझ रहे थे जब हमारी पीढ़ी सबसे भयावह परमाणु बादल के तहत जीवित रहती थी। 4 मिनट की चेतावनी के साथ ही दुनिया खत्म हो सकती है। यह हमें सबसे अधिक महसूस करता है कि हमें अपने कामों को पूरा करना है। हमें जीवन में एक आदर्शवादी पाठ्यक्रम का पालन करना पड़ा था, यह अब भोली लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आत्मा थी जिसमें स्टीफन और मैं 60 के दशक में तय किया था। जो कुछ भी उपहार हमें दिया गया था बनाने के लिए, उनकी स्थिति खराब होने से पहले उनके 3 बच्चे होते हैं। उन्होंने 1966 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और कैम्ब्रिज में एक स्नातक उत्तर शोध भौतिक विज्ञानी बन गए, जहां उन्होंने मशहूर खगोल शास्त्री फ्रेड होल के तहत अध्ययन करने की आशा की। इसके बजाय उन्हें डेनिस कैसामा को सौंपा गया, एक निराशा पहले तो, लेकिन जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा था, यह एक अच्छी बात थी। होल विदेश में बहुत कुछ था और मैं उनमें से बहुत कुछ नहीं देखा होता। दूसरी तरफ सियामा था और हमेशा उत्तेजक था। कुछ साल बाद कैम्ब्रिज में खगोल विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों पर उन्होंने कैम्ब्रिज सहयोगी रोजे पेनरोस के साथ करीबी सहयोग का गठन किया। उन्होंने एक प्रमेय विकसित किया है कि ब्रह्मांड हमेशा अस्तित्व में नहीं है। दोनों ने दिखाया कि अगर सापेक्षता के सिद्धांत सत्य हैं, तो ब्रह्मांड अस्तित्व में भरा है। जो कुछ भी नहीं है, अतीत में एक विशिष्ट क्षण में और उस स्थान से जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो गया है कि अंतरिक्ष और समय घुमावदार हो, मान्यता से परे, जो विलक्षणता के रूप में जाना जाता है। 32 की उल्लेखनीय उम्र में हॉकिंग को रॉयल सोसाइटी के एक साथी का नाम दिया गया था। वह उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार प्राप्त किया। सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे प्रतिष्ठित, उन्होंने 1973 में गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग के एक शोध सहायक के रूप में कैम्ब्रिज संकाय में शामिल हो गए। उन्हें 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था कैम्ब्रिज में, जबकि हॉकिंग ने बड़े धमाके सिद्धांत पर सवाल उठाया जो तब तक अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया था। शायद उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी शुरुआत नहीं थी और इसका अंत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बदलाव होगा। एक ब्रह्मांड का निरंतर परिवर्तन अंतरिक्ष समय में किसी भी समय की गति के माध्यम से किया जा रहा है। सभी समय हॉकिंग ब्लैक होल स्ट्रिंग सिद्धांत और हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल के जन्म के विस्फोट में खुदाई कर रहा था। हॉकिंग भव्य भ्रमण संबंधी प्रश्नों पर बजाय खेलने के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक बार सुझाव दिया कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार करना बंद हो गया और अनुबंध शुरू हुआ, तो समय पिछली बार चला जाएगा। उन्होंने बाद में कहा कि वह उस पर अपना मन बदल दिया था। उन्होंने सुर्खियां प्राप्त की जब उन्होंने घोषित किया कि इंसानों को इस दुनिया के संभावित विनाश के खिलाफ अपने बेटों को बाधित करने के लिए अन्य दुनिया की उपनिवेश करना चाहिए। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के एक अध्यात्म सचित्र आसान संभाल संस्करण में उन्होंने वेरमोलो बैक गली ब्रह्मांडीय सुरंगों पर एक अध्याय जोड़ा है जो संभवतः किसी को समय समय पर वापस जाने की इजाजत देता है। प्रशंसनीय के किनारे पर बढ़ते हुए वह फिर भी विज्ञान के बारे में बताता है कि हम क्या कह सकते हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकी के अध्यक्ष डेविड सेपागिल ने कहा, उन्होंने उपन्यास के तरीकों से गहरे और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में सोचा था। हॉकिंग का महत्वपूर्ण योगदान उन सवालों के जवाब देने और सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को जोड़ने के गणितीय रूप से परिष्कृत तरीके तैयार करने के नए तरीकों की पहचान कर रहा था। हॉकिंग ने सभी की एक तथाकथित थ्योरी के साथ आने की मांग की थी जो सभी उत्कृष्ट सवालों के जवाब देकर सैद्धांतिक भौतिकी का अनिवार्य रूप से अंत होगा, लेकिन क्या ऐसा सिद्धांत कभी भी पाया जा सकता है? अस्पष्ट है।
हॉकिंग ने कहा कि हमारे भ्रमण केवल एक ही नहीं हो सकता है कि बहुत से लोग हमारे चारों ओर मौजूद अस्तित्व में भटक सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांडीय कृमि उन ब्रह्मांडों को संक्षेप में हमारे लिए लिंक करते हैं और उपकरणों का कण उनके माध्यम से एक ब्रह्मांड से दूसरी यात्रा कर सकते हैं। भौतिक विदों के पालन पोषण के कणों के कुछ अजीब व्यवहार के लिए लेखांकन करते हैं। हॉकिंग की सेलिब्रिटी की शक्ति को समय समय पर टेलीकॉर्ड कवरेज द्वारा मापा जाता था, जिसने वह अपने जटिल निजी जीवन के लिए आकर्षित किया था। उनकी पत्नी जैन ने हॉकिंग को हर रोज घंटों में स्नान धोने और खिलाने में बिताया था, जिन्हें लगातार नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता थी। उन्होंने जिनेवा की यात्रा के दौरान 1985 में निमोनिया विकसित किया और जैन ने डॉक्टरों से जूझ दिया जो अपने जीवन का समर्थन बंद करना चाहते थे, लेकिन शादी के कारण उसके ईसाई विश्वास और उनके अविश्वासी नास्तिकता के कारण भाग्य में वृद्धि हुई और उसके भाग के कारण उसने अपने रिमोट और स्तोइक स्वभाव को बुलाया। उसने उन्हें सर्वशक्तिशाली सम्राट के रूप में वर्णित किया जो अपनी बीमारी की मांग कैसे कर रहा था। इस बारे में अंधकार लग रहा था क्योंकि वह अपने छोटे बच्चों की देखभाल भी करती थी। उन्होंने उन उपायों से इनकार कर दिया जो जीवन के लिए आसान बनाते थे और उन्हें लगा कि वह उसे अपने तरीके से देखने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत क्रूर था। वे अलग हो गए और 1990 में उनकी 25वीं शादी की सालगिरह की शर्मीली थी जब हॉकिंग ने जैन को अपनी नर्स एलिन मेसन के लिए छोड़ दिया। जैन से उनके तलाक के बाद फाइनल बनने के 5 साल बाद उन्होंने एलिन से शादी की। हॉकिंग ने अपने दूसरे विवाह को बुलाया जो भी तलाक में समाप्त हो गया, भावुक और तूफान। हॉकिंग के कार्यालयों की तस्वीरें उनसे भरी हुई थीं जो पॉप से लेकर प्रशंसकों के साथ खड़े थे। वे सोवियत भौतिक विज्ञानी और मानवाधिकारों के प्रचारक आंद्रेई सखारोव को सोवियत संघ के सदस्य थे। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी ने एक बार अपने नायकों को गैलीलियो, आइंस्टाइन, डार्विन और मलिन मोनरो के रूप में वर्णित किया। आखिरकार वैज्ञानिक के लिए विशेष अपील की गई थी जिसने उसके पोस्ट लटकाए और मोनरो से संबंधित ब्रिक को एक ब्राके एकत्र किया। उन्होंने एक बार कहा, मेरी बेटी और सचिव ने मुझे उसके पोस्ट दिए, मेरे बेटे ने मुझे एक मलिन बैग और मेरी पत्नी एक मलिन तौलिया दी। उन्होंने एक बार कहा, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि वह ब्रह्मांड का एक मॉडल है।